तो क्या हालचाल दोस्तों। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज लाया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एमी वे बंटाई के बारे में। तो एमी वे बंटाई का व्हाट कैन आई डू करके एक न्यू सॉन्ग आया है और उस पर उनको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ एक दिन में 4 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो चुके थे और वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग नंबर 10 पर भी था। तो उस पर एमी वे बंटाई ने कहा, दिस इज व्हाट बंटाई की पब्लिक कैन डू विदाउट एनी प्रमोशन, ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड 10, ग्रेटफुल, हैशटैग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, हैशटैग ऑर्गेनिक। तो अगर आप लोगों ने एमी वे बंटाई का न्यू सॉन्ग नहीं सुना तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके जरूर सुनिए। गाइस अगली न्यूज आती है डैंक रिसू की तरफ से, जिनके यूट्यूब पर 2,34,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो होता कुछ ऐसा है कि टेक्निकल गुरुजी की सेकंड चैनल गौरव चौधरी पर टेक्निकल गुरुजी ने 3 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर वो रैंडमली किसी भी बंदे को आईफोन गिफ्ट कर देते हैं। देन उसके बाद डैंक रिसू ने अपनी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया टेक्निकल विवेक वर्सेस टेक्निकल गुरुजी। तो ये वीडियो में डैंक रिसू ने टारगेट किया टेक्निकल गुरुजी के आईफोन वाले वीडियो को। तो अगर आपको डैंक रिसू का वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, बहुत ही बुरा रोस्ट किया है। तो चलिए बात करते हैं टोटल गेमिंग वर्सेस भुवन बाम के बारे में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको क्लियर कर दूं, टोटल गेमिंग और भुवन बाम के बीच कोई फाइट नहीं हुई बट उनके बीच सब्सक्राइबर गैप बहुत ही कम रह गया है। जहाँ तक मुझे लगता है टोटल गेमिंग बहुत जल्द भुवन बाम को क्रॉस कर देंगे, बिकॉज ऑफ टोटल गेमिंग के सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एनीवे आप इसके बारे में क्या सोचते हो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। गाइस अगली न्यूज आती योर इंडियन कंज्यूमर की तरफ से, जिनके यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो होता कुछ ऐसा है कि मोदी जी ने एक दिन पहले मन की बात की थी अपनी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर उनको भर भर के डिसलाइक मिले हैं, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। बिकॉज ऑफ 26 जनवरी को इतना कुछ हो गया फिर भी मोदी जी ने उस पर ज्यादा कुछ बातचीत नहीं की। तो उस पर रिएक्ट करते हुए योर इंडियन कंज्यूमर ने कुछ बातचीत की है, तो आप भी देखिए वो क्लिप। नमस्ते मोदी जी, मैं एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक हूँ, आपकी मन की बात सुनी, काफी एक्साइटेड था मैं। मैंने सोचा कि आप 26 जनवरी के बारे में कुछ बताएंगे, ऐतिहासिक दिन रहा है वो, पर खैर उसके बारे में आपने ज्यादा कुछ कहा नहीं। तो मैंने सोचा अपने मन का कुछ आपको बताऊं, तो नीचे स्क्रोल किया तो यहाँ पे आपने कमेंट्स टर्नड ऑफ रखे हैं। देखिए मोदी जी, यहाँ पे इतने सारे डिसलाइक्स भी हैं, तो शायद देश कुछ आपको बताना चाहता है, मैं अपना योगदान नहीं दे रहा उसमें। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। गाइस अगली न्यूज आती है टेक्नो रूएस की तरफ से। टेक्नो रूएस गए थे आईकिया के शोरूम में जहाँ पर उनके साथ हुआ स्कैम। तो उस पर बातचीत करते हुए उन्होंने डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया है अपनी सेकंड चैनल पर। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट आइए छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आईकिया जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े शोरूम से उनके इंडिया में रेयर हो गए, शायद एक हैदराबाद में है, मे बी दूसरा भी कहीं होगा। और अभी हाल ही में नवी मुंबई में यहाँ पर महाराष्ट्र में उन्होंने एक नया शोरूम लाया है। और बेसिकली दोस्तों अभी हाल ही में मुझे नया सेटअप बनाना है, तो मैंने कुछ टेबल चेयर्स ये सब लेने के लिए मैं वहां पर गया था। ये बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत आलीशान है। अगर आपको घर में डेकोरेशन करना है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप वहां पर जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जाइए देखिए, आपके नियर बाय में अगर आपको कहीं आईकिया का शोरूम मिलता है तो बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस, आपको बहुत अच्छा होगा क्योंकि चीजें आपको काफी अच्छी मिलती है। अब वहां पर दोस्तों चीप प्राइस भी है, मीडियम और एक्सपेंसिव, जैसे आपकी हैसियत होती है हमारी और जैसे हमें खरीदना होता है हम उसके हिसाब से चूज करते, और मैं भी उसी हिसाब से वहां पर गया था। अब यहां पर ना मैं आपको क्या बताऊंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत खराब था बेसिकली सर्विस के मामले में। वहां पर जाना देखना वो सब कुछ तो बहुत बढ़िया था। देखिए इतने बड़े बड़े जो शोरूम्स होते हैं वो दिखाते हैं बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज आती है सर्विस। दोस्तों मैंने 2 टेबल 2 चेयर वहां पर जाकर ऑर्डर दिया, एडवांस में पेमेंट किया, कार्ड से पेमेंट किया, उन्होंने ले लिया, बोला कि आपको 2-3 दिन में आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसके डिलीवरी चार्जेस भी अलग से उन्होंने लिए, ऑब्वियसली वो बनता ही है। और मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा उन्होंने बताया कि जैसे आपने बुक किया था दूसरे दिन ही कोई आया और सेल्फ सर्विस पे वो निकल लिया। मैंने बोला भाई कैसे हो सकता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं, हमने ऑनलाइन बुक कर लिया, पैसे दे दिए और अब आप टाइम पर मुझे बोलते हैं कि चेयर निकल ली। मैंने बोला आप क्या, तो बोला ठीक है सर आपको रिफंड कर देंगे, डोंट वरी, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। मैंने बोला भाई मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ से 1 घंटा दूर है, मैं भाईकल्ला पे रहता हूँ, वो नवी मुंबई 1 घंटा है, 1,000 रुपये खर्चा होता है जाना आना। मैंने बोला मैं उधर आऊँगा, 6,000 रुपये की चेयर है, 1,000 रुपये तो मेरा ऐसे नुकसान हो रहा है, टाइम निकाल कर जाओ, 3-4 घंटे का टाइम निकल जाएगा, आपकी सर्विस इतनी घटिया क्यों है, आप मुझे तुरंत पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। तो बोला एक काम करिए सर, कैंसल्ड चेक दीजिए, हम आपको पैसे भेज देंगे। मैंने बोला ठीक है, मैंने ईमेल पर कैंसिल चेक भेज दिया, 21 दिन बाद पैसे मिलेंगे और उसमें भी थोड़ा वक्त आगे बढ़ सकता है। मैंने बोला लेने के लिए तुरंत पैसा लिया, आप देने के लिए 21 दिन। मैंने बोला इतनी बड़ी कंपनी है तुरंत पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर करते। बोला सर वो हमारा प्रोसेस, हम कुछ नहीं कर सकते।
गाइस अगले न्यूज साथ ये पबजी लाइट हेल्पर की तरफ से, तो इनकी चैनल पर टेंशन कंपनी ने 25 कॉपीराइट स्ट्राइक मारे हैं। और सो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 स्ट्राइक आने पर चैनल टर्मिनेट हो जाता है, मगर इनके चैनल पर तो टेंशन कंपनी ने 25 कॉपीराइट स्ट्राइक मारे है। और सो उन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट भी किया है, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। तो अगर आप ट्विटर यूज करते हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके रीट्वीट कर देना एक बार, भाई को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ऑल्सो उन्होंने अपनी सेकंड चैनल भी बना दी है, तो अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो उसकी चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑल्सो उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, तो आइए छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। लेट हेल्पर नाम उस चैनल का, और ऑलमोस्ट उस पे अभी 90K हो चुके हैं, और मतलब 100K के हम सपने देख रहे थे उस चैनल पे। लेकिन सडनली मतलब कल रात को कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पे मतलब टेंसेंट वालों ने 25 कॉपीराइट मार दिए। भाई 3 कॉपीराइट मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है एक चैनल के लिए, लेकिन मेरे चैनल पे भाई 25 कॉपीराइट, जबकि मैं भाई कोई भी इनलीगल या कुछ भी वॉयलेशन या कुछ भी मैं इनलीगल चीज़ नहीं बताता अपने चैनल पे। मैं हमेशा आप सबको अब पता ही होगा मैं टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो बनाता था, क्या सपने रह गए। क्या बोलूँगा मैं उन्हें, चैनल डिलीट हो रहा है भाई, आज तक कुछ गलत नहीं बताया। ऐसे अगले न्यूज आती है कैरी मिनाटी की तरफ से, तो कैरी मिनाटी अपनी सेकंड चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने बात की बिग बॉस रोस्ट की। आप सबको पता ही होगा कि वो बहुत जल्द बिग बॉस पर रोस्ट वीडियो लाने वाले हैं, तो आइए वो छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। उसमें प्लीज सलमान भाई को ट्रोल मत करना। जोड़ा बहुत प्यारा है। ये कैसी बात कर दी तुमने, है कढ़ाई पनीर में ग्रेवी ना डाले, ये कैसी बात हुई। ये तो वही वाली बात कर दी भाई, दाल बनाना सूखी। तो चलिए कुछ छोटी मोटी न्यूज एंड अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो लक्ष्य चौधरी मिले भुवन बाम को, तो हो सकता है उनकी तरफ से कुछ तो स्पेशल आ सकता है। तुम्हारे भाई ने ना स्पेशल इफेक्ट डालने सीख लिए हैं, देखो अभी ना मतलब ऐसे सेलिब्रिटी आ जाएंगे ना मेरी स्टोरी में, जैसे वरुण धवन है, उधर ऋतिक रोशन है। अच्छा इफेक्ट अच्छा है भाई, ये देखना ऐसा लग रहा है भुवन सामने बैठा है। बड़े यूट्यूबर्स की ये पहचान होती है कि डायमंड प्ले बटन देखो कहाँ पे है भाई। अगर हमारे पास आता तो पूरे मोहल्ले के पैसे लगवाते इसको पहले तो जड़वाने में। मैंने कहा देखा मुझे फट, वो बहुत भारी है, नीचे आ जाता है सब कुछ। मेरा आ गया भाई डायमंड प्ले बटन, कैरी वाला बोल दे रहा हूँ वाला। बहुत भारी है, बहुत भारी। पीछे लिखा हुआ कि कम से कम 5-6 किलो का तो है भाई। रफ्तार आए सलीम सुलेमान चैनल पर, तो वहाँ पर उनको एक क्वेश्चन किया गया कि आपका रफ्तार नाम कैसे हुआ। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट आइए वो छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। मिश्रा फैजू के दे इजाजत सॉन्ग का पोस्टर रिलीज हो चुका है, तो सॉन्ग भी बहुत जल्द आ जाएगा। मो ब्लॉग्स को मिल गया उनका गोल्डन प्ले बटन। सलोनी आप्पा के हो गए 1 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। कैरी मिनाटी के भाई विली फ्रेंजी के हो गए 100K सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। बी यूनिक मिले अदनान 07 से। मिथपैड टेक बर्नर स्ले पॉइंट साथ में दिखे। एंड फाइनली अमित भड़ाना ने आत्मविश्वास सॉन्ग का टीजर रिलीज कर दिया है, और सॉन्ग आने वाला है 17 फरवरी को, और उसके बारे में बादशाह ने कुछ कहा है, तो आप भी देखिए वो क्लिप। और अमित के बारे में मैं आपके साथ दो चीजें शेयर करना चाहूंगा अमित भड़ाना के बारे में, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे तो बहुत ही अच्छा इंसान है वो, बट एक तो जैसे मैं बिल्कुल एक्सट्रीमली पैशनेट टुवर्ड्स दिस वर्क, अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट है, एक एक चीज़ एक एक बारीकियों में जाता है। और दूसरा दिल का बिल्कुल साफ, जो दिल में वो मुंह पे है वो बहुत ही सही चीज़ है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, ऑल्सो कमेंट में जरूर बताना कि कौन सी न्यूज आपको बहुत ही अच्छी लगी। ऑल्सो चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।